बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर्स में हमने ICS पार्ट 1 की बुक को कवर कर लिया था और दोस्तों ICS पार्ट 1 का बेशतर हिस्सा हार्डवेयर बेस्ड था, जिसमें हमने कंप्यूटर और कंप्यूटर के मेजर पार्ट्स की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ICS पार्ट 2 की बुक को। दोस्तों आप लोगों को ये जानकर हैरत होगी कि ICS पार्ट 1 की बुक का बेशतर हिस्सा जो है वो प्रोग्रामिंग बेस्ड है, यानी ऑलमोस्ट 6 to 7 चैप्टर्स प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। तो दोस्तों आप लोगों के जहनों में भी ये सवाल आया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या हैं और इनकी जरूरत लोगों को क्यों पेश आई और इसको पढ़ना इतना क्यों जरूरी है कि हमारी बुक जो है वो आधी से ज्यादा इसी से रिलेटेड है। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि लैंग्वेजेस आखिर क्या होती हैं। और फ्रेंड्स, लैंग्वेज की अगर आप डेफिनेशन देखें तो एक ऐसा तरीकेकार है जिसके जरिए मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है जो कि दूसरे शख्स से बात करना चाहता है, यानी दूसरे शख्स को कोई मैसेज भेजना चाहता है और वो बात क्यों करना चाहता है, ताकि वो अपना मतलूबा काम उस दूसरे शख्स से करवा सके। तो इसके लिए उस पहले शख्स को वो लैंग्वेज आना जरूरी है जो कि दूसरे शख्स को समझ आ सके, तभी तो वो उससे बात कर सकेगा। Which means कि यहाँ लैंग्वेज क्या है, एक तरीके का जिसके जरिए दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर सके ताकि वो अपना मतलूबा काम एक दूसरे से करवा सके। अब दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने कंप्यूटर बना लिया तो फिर जरूरत पड़ी उन कंप्यूटर्स से बात करने की, ताकि लोग अपना काम उन कंप्यूटर्स से करवा सके, कैलकुलेशंस करवा सके, डॉक्यूमेंटेशंस करवा सके। तो इसके लिए भी लोगों को जरूरत पड़ी लैंग्वेज की, यानी ऐसी लैंग्वेज की जिसके जरिए यूजर और कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर सके। यूजर यानी आप कंप्यूटर की बात समझ सके और कंप्यूटर आपके मैसेजेस को समझ सके और उसको समझ कर ही आपका काम कर सके। तो इसके लिए जो लैंग्वेजेस बनाई गई वो कहलाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब दोस्तों इसीलिए अगर आप कंप्यूटर के माहिर बनना चाहते हैं तो आपको इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डीपली समझना जरूरी है। जिस तरह अगर आप उर्दू में अदीब बनना चाहते हैं और उर्दू भी एक लैंग्वेज है, तो आपको पहले उर्दू लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा और सिर्फ सीखना ही नहीं बल्कि उस पर पूरा उबूर भी हासिल करना होगा, तभी तो आप एक अच्छे उर्दू के अदीब कहलाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप एक बेहतरीन कंप्यूटर माहिर बनना चाहते हैं तो आपको पहले इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी सीखना पड़ेगा, तब जाकर ही आप एक बेहतरीन प्रोग्रामर बन सकेंगे। और दोस्तों यहाँ हमने एक नया वर्ड यूज किया है प्रोग्रामर का। तो दोस्तों जिस तरह एक बेहतरीन उर्दू अदीब को पहले उर्दू लैंग्वेज सीखनी होती है, उस पर कमांड हासिल करनी होती है, तब जाकर वो उर्दू में बड़ी बड़ी किताबें लिख पाता है, ऐसे ही प्रोग्रामर वो शख्स होता है जो कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखता है, ताकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखकर वो उस लैंग्वेज के जरिए कंप्यूटर से बेहतरीन तरीके से अपने काम करवा सके। जैसे कंप्यूटर को जब आप ओपन करते हैं तो ओपन करने के साथ ही आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम का लोगो दिखता है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोग्रामड किया गया है और ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। इसी तरह फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो आप एक और सॉफ्टवेयर खोलेंगे MS Word का, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपकी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मुख्तस किया गया है। तो वो सॉफ्टवेयर भी लिखा गया होगा किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। विच मीन्स कि आपके कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उन सबको अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर बनाया गया है। और उन सॉफ्टवेयर्स को बनाने वाला कौन है, वो प्रोग्रामर जो कि उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखता है। तो दोस्तों अगर आप भी इस बुक में पढ़ाई जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अच्छे से सीख लेंगे तो आपको भी बेहतरीन प्रोग्रामर बनने से कोई रोक नहीं सकता। विच मीन्स कि जितने अच्छे से आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी उतने ही बेहतरीन तरीके से आप कंप्यूटर से अपने काम करवा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों यूज की जाती है और हम इसको क्यों लर्न करने जा रहे हैं, लेकिन साथ के साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है। तो डियर फ्रेंड्स याद रखें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर बेस्ड ऑन प्रोग्राम्स, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस
छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर बनती हैं। और प्रोग्राम क्या होता है? अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट मस्ट फॉलो बाय द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म सम टास्क। जैसे दोस्तों आप एक कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो उस पूरे कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर को आपको किसी एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर बनाना होगा। याद रखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कई तरह की होती हैं, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज को चूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। अब डियर फ्रेंड्स, जो आपका कैलकुलेटर है वो मेजर चार काम करेगा, वो प्लस करेगा, माइनस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड करेगा। तो प्लस के लिए आपको एक अलग प्रोग्राम लिखना होगा, माइनस के लिए एक अलग, मल्टीप्लाई के लिए अलग और डिवाइड के लिए अलग। और दोस्तों जब हम इन तमाम चारों प्रोग्राम्स को लिखने के बाद इन चारों प्रोग्राम्स को आपस में मर्ज कर देंगे तो ये बन जाएगा एक पूरा कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर। तो यानी इससे हमें ये पता लगा कि हर एक सॉफ्टवेयर छोटे छोटे प्रोग्राम से मिलकर बनता है और हर एक प्रोग्राम कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर मुश्तमिल होता है जो कि कंप्यूटर को बताती हैं कि उसे वो काम किस तरह करना है। जैसे अभी आपके कैलकुलेटर के सॉफ्टवेयर में 4 प्रोग्राम्स थे, तो प्लस का प्रोग्राम कंप्यूटर को ये बताएगा कि जब यूजर आपको नंबर देगा तो वो आपको जमा किस तरह करने हैं। इसी तरह हर एक प्रोग्राम में कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगी जो कि कंप्यूटर से कोई टास्क परफॉर्म करवा रही होंगी। और फ्रेंड्स इससे हमें एक बात ये भी पता चली कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो पहली चीज है वो है लॉजिक, कि आपको कंप्यूटर से वो काम कैसे करवाना है। लेकिन लॉजिक के अलावा भी एक और चीज है, विच इज अ सिंटैक्स, कि जो आपको ये बताता है कि आपको वो लॉजिक लिखनी कैसे। जैसे उर्दू एक लैंग्वेज है जो कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से मिलकर बनी है, और उन रूल्स के बिना पर ही आप उर्दू को लिखते हैं और बोलते हैं। जैसे अगर आप उर्दू में था की जगह है लिख देंगे तो आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स ये चीज कहलाती है सिंटैक्स, जो कि बताती है कि आपको उर्दू बोलनी और लिखनी कैसे। ऐसे ही हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए भी अलग अलग रूल्स होते हैं जो कि सिंटैक्स कहलाता है। और कोई भी प्रोग्राम लिखने से पहले आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स पता होना जरूरी है। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस 2 चीजों का नाम है, लॉजिक और जो कि कंप्यूटर को ये बताएगी कि काम करना कैसे है, और दूसरी चीज है सिंटैक्स जो कि आपको ये बताएगा कि आपको उस काम को किस तरह से कंप्यूटर को लिखकर देना है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ तक आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में तो जान लिया, लेकिन किसी भी प्रोग्राम को लिखते हुए कुछ चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी होता है, और ये चीजें कहलाती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोग्राम। यानी आपको कैसे पता लगेगा कि जो प्रोग्राम आपने लिखा है वो सही है भी या नहीं, तो इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको देखते हुए आपको प्रोग्राम लिखना होगा। तो उनमें जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है करेक्टनेस। दोस्तों विच मीन्स के इट डज व्हाट इट इज सपोज टू डू, यानी आपने जिस मकसद के लिए प्रोग्राम बनाया है उसका रिजल्ट भी बिल्कुल उसी हिसाब से आना चाहिए। विच मीन्स के अगर आपने नंबर्स को ऐड करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा है तो रिजल्ट में उन नंबर्स का सम आपको मिलना चाहिए, अदरवाइज आपका प्रोग्राम करेक्ट नहीं हुआ। इसके बाद है यूजेबल, इट इज इजी टू यूज, दोस्तों उस प्रोग्राम को यूज करना आसान होना चाहिए। नंबर 3 इज रिलायबिलिटी, इट वर्क्स विदाउट फेलिंग, यानी उसको हमेशा सही काम करना चाहिए, ऐसा ना हो कि कभी वो सही आंसर दे रहा है और कभी गलत। हमेशा उससे हासिल होने वाला रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके अलावा मॉडिफाइबल, इट कैन बी एनहांस्ड एंड अपडेटेड, यानी आपको हमेशा इस तरह का प्रोग्राम लिखना चाहिए कि अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहें, उसमें कोई नई तब्दीली करना चाहें तो वो बआसानी कर सके। अंडरस्टैंडेबल, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, यानी आपको प्रोग्राम इस तरह से लिखा हुआ हो कि उसको लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, इजीली समझ सकें। मेंटेनेबल, इट कैन बी करेक्टेड व्हेन एरर्स आर फाउंड, यानी अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आता है, कोई गलती नजर आती है तो उसको ठीक करना भी आसान हो, दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम मेंटेबिलिटी। इसके बाद है एफिशिएंट, इट डज नॉट वेस्ट कंप्यूटर रिसोर्सेस। तो डियर फ्रेंड्स आपका प्रोग्राम इस तरह का नहीं होना चाहिए जो आपके कंप्यूटर की पूरी मेमोरी और प्रोसेसिंग स्पीड
को ही ले ले और प्रोसेसिंग स्पीड को और मेमोरी को स्लो कर दे। तो दोस्तों दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल प्रोग्राम। और अगर आप इन तमाम चीजों को देखते हुए अपना प्रोग्राम लिखेंगे तो यकीनन आपका प्रोग्राम भी एक कामयाब प्रोग्राम, एक सक्सेसफुल प्रोग्राम कहलाएगा। दोस्तों इसके अलावा भी आपने एक और टर्म भी सुनी होगी जो कि आजकल बहुत आम है, हर बच्चा ये चाहता है कि हम जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है? तो फ्रेंड्स जब से कंप्यूटर और मोबाइल फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आम हो गया है, हर एक काम के लिए एक सॉफ्टवेयर आ गया है, एक एप्लीकेशन आ गई है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फूड से रिलेटेड हो, शॉपिंग हो, स्टॉक्स हो, हर चीज के लिए आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। और इन एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स की वजह से अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीखने के लिए एक पूरी फील्ड बना दी गई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के नाम से। और इस फील्ड की बदौलत ही हम रोजमर्रा की जिंदगी में हर एक काम कंप्यूटर से करवाने में कामयाब हो रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स ये था आपके चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हम इसको क्यों सीख रहे हैं। और अगर आप इस बुक में पढ़ाई जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अच्छे से सीखेंगे तो इससे आपको क्या फायदा होगा? अगले लेक्चर में हम बाकायदा स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग प्रोसेस को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।